हेलो व्हाट्सअप गाइस, क्या हाल चाल है आपका। मुझे पता है आपको बॉक्स दिख रहा है भाई साहब, ये सुजाता का मिक्सर ग्राइंडर है 900 वॉट का। देखो बात क्या है, इसको मुझे लेने का सबसे बड़ा कारण क्या था कि यार मैं पर्सनली अपने लिए खुद के लिए पीनट बटर बनाता था, तो जो पिछला मिक्सर ग्राइंडर था वो मेरा सिंगर कंपनी का था, वो लगभग 15 से 20 साल तक चला, जो कि मतलब एक बहुत लंबा अरसे से चला यार। मतलब आधे ज़्यादा लोग जो ये YouTube का वीडियो देख रहे हैं, हो सकता है उतने साल के ना हो तो खैर एक बात अलग है कि कई लोगों की आधी उम्र होगी जितने साल वो मेरा मिक्सर ग्राइंडर चल गया। अब बात ये थी कि भाई साहब कि मैं पीनट बटर बनाता था, तो पीनट बटर वो 400 वॉट का था, उसमें मैं बना रहा था। बनाते बनाते एक दिन क्या हुआ, गया फूक। अब भाई जब फूक गया तो घर वालों ने मुझे बहुत सुनाया कि भाई साहब पीनट बटर बाज़ार से लेकर के आइए, ये क्या खरीदे। तो मेरे अंदर बहुत सारी चीज़ें थी कि यार मुझे प्रिजर्वेटिव नहीं चाहिए, मुझे वो नहीं चाहिए, ये नहीं चाहिए, मुझे सॉल्टेड नहीं चाहिए, मुझे स्वीट नहीं चाहिए। तो मैंने सोचा यार क्यों ना घर पर बनाया जाए। अब मैं परेशान था जब वो गया फूक, तो भाई साहब ऐसा कौन सा मिक्सर ग्राइंडर अपने लिए लाया जाए जिसमें भाई साहब जो है मजबूती भी हो और बहुत बड़ाइयाँ भी चल रही हो, इसकी सब कुछ हो यार। तो मतलब जहाँ देखो वहाँ, मतलब आप ज़्यादातर जगह अगर जो है शेक वाले की दुकान में जाएंगे, जहाँ जूस वाले की दुकान में जाएंगे, वहाँ पे हर जगह पे मुझे सुजाता 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 सुजाता, मतलब भाई साहब मैं सुनते सुनते सो गया कि भाई साहब चलो भाई साहब एक बार सुजाता देख ही लेते हैं। तो मैं पर्सनल यूज़ के लिए इसको लेकर के आया हूँ, पिछले 2 महीने से इसको इस्तेमाल कर रहा हूँ मैं, ठीक है। 2 महीने से इस्तेमाल करने के बाद आज इसका देने वाला हूँ आपको एक ऐसा रिव्यू, वाकई में क्या ये नाम है खाली सुजाता सुजाता सुजाता, कि वाकई में सुजाता से बेहतर कुछ नहीं आता या इससे बेहतर कुछ नहीं आता। इस सारी की सारी बातें अपनी इस वीडियो करेंगे सुजाता मिक्सर ग्राइंडर के बारे में, जो कि 900 वाट का जो आपके आपको दिख रहा है सुपर मिक्स मॉडल मैं अपने पर्सनल यूज के लेके आया, क्योंकि मेरे इतने में सारा काम हो जाता है। तो चलो यार जल्दी से इसकी अनबॉक्सिंग करते हैं। उससे पहले यार एक चीज आपको पता है क्या करना है, इतनी बढ़िया बढ़िया वीडियो यार आपके लिए बनाते हैं, आप प्लीज जाकर के चैनल को जाकर खाली सब्सक्राइब कर लिए जल्दी से, और साथ साथ में बेल आइकन को लिए और जल्दी से इसकी जो है अनबॉक्सिंग देखना शुरू करते हैं। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। हाँ तो यार चलो इसको यार अनबॉक्स करते हैं और इसके बारे में कुछ टेक्निकल चीज़ें बताते हैं। जैसे आपको बॉक्स के ऊपर दिख रही होगी, ये 900 वाट का है, वे डबल बॉल बेयरिंग और डबल बॉल बेयरिंग दोनों एंड्स में इसके लगे हुई हैं। वो क्या होता है आप गूगल कर सकते हैं, वैसे मैं वीडियो के बीच बीच में आपको बता दूंगा। तो चलो सबसे पहले खुलते हैं। वैसे तो इसको मैंने दोबारा से पैक कर लिया, क्योंकि आपको पता है 2 महीने से इस्तेमाल कर रहा हूँ। तो भाई साहब इसके अंदर ये बुकलेट मिलती है, ये सब चीज़ें, तो इन सब चीज़ों का जो इस्तेमाल है आप खुद चाहो तो देख सकते हो। वैसे मेरी वीडियो देखोगे तो सब कुछ आपको पता ही चल जाएगा। और चलो ऊपर से ये थर्मोबॉक्स हटाते हैं। ये सबसे पहला जो जार है आपको ये छोटा वाला मिल जाता है, जो कि चटनी जार आप बोल सकते हो। उसके बाद इधर ये एक जूसर जार आपको मिल जाता है, जिसमें आपको जो है जूस वूस बनाना है अपने घर पे और शेक बनाना है मतलब, या फिर और ये एक ग्राइंडिंग जार आपको मिल जाता है, ठीक है। ये हो गया सब चीज़ें, और मेन जो यूनिट है वो थोड़ी सी भारी है। मैं एक काम करता हूँ, बॉक्स को नीचे रखता हूँ और फिर मेन यूनिट उठाता हूँ, क्योंकि यार गिर भी सकता है मेन यूनिट। तो इसको मैं साइड मैंने ऐसे रखा और ये निकाला मैंने इसकी मेन यूनिट, जो कि काफ़ी ज़्यादा भारी है। ये है भाई साहब इसकी मेन यूनिट सुजाता मिक्सर ग्राइंडर की। ये फ्रंट से देखिए कुछ ऐसा दिखता है, और सबसे ज़्यादा जो अच्छी चीज़ लगी ना यार, जो मैं शुरुआत में आपको बताना चाहूँगा, इसकी जो कॉर्ड है, जो वायर की कॉर्ड है, ये अप्रॉक्स आपको 2.5 मीटर की मिल जाती है यार। मैंने आज तक बहुत कम कंपनी देखी यार जो इतनी, मतलब आप 50,000 की कोई भी चीज़ ले लो ना, उसमें भी आपको 2.5 मीटर की कॉर्ड नहीं मिलती, जितनी बड़ी कॉर्ड इसमें मुझे मिल जाती है। और ये कैसा है क्या है आपको चलिए सब कुछ बताते हैं। शुरुआत करते हैं सबसे पहले इससे ही, तो ये देखो यार सबसे पहली चीज़ यही आई है जिससे शुरुआत करते हैं। ये जो इसकी जो आपको दिख रहा है ये मोटर, ठीक है, ये जो मोटर आपको दिख रही है, ये मोटर में सबसे अच्छी चीज़ ये है कि इसके ऊपर ये जो आपको गियर दिया गया है, गियर आपको यहाँ पे मेटल के दिए गए हैं। ये सारी आप इसको टीथ बोल सकते हैं, इसकी दांतें जो है शुद्ध भाषा में जो हम लोग बोलते हैं, आपको जैसे फोटो के ऊपर दिख रहा होगा, इसकी जो टीथ है ये जो है मेटल की दी गई है, जो कि यार इसकी लाइफ वाकई में 15-20 साल आराम से निकाल देंगे। मतलब जिससे भी मैंने सुना, हर आदमी कहता है यार 10 साल चल गया, 15 साल गया, 20 साल गया, 10 साल तो खैर वाकई मैंने किसी से नहीं सुना, मैंने 15 या 20 साल ही सुना अभी तक किसी से भी इसके बारे में। साथ साथ में यार इसकी अगर बात की तो ये 900 वॉट का है और डबल बॉल बेयरिंग है। डबल बॉल बेयरिंग आपको मैं समझाना चाहूंगा, हर एक जो है जितने भी मिक्सर ग्राइंडर आते हैं सब में एक बॉल बेयरिंग लगा होता है। होता क्या है, जो मोटर की रॉड होती है, ऐसा देखिए मैंने यहां पे इसीलिए पेन रखा हुआ है, मोटर की रॉड होती है, ये फंसाई जाती है एक बॉल बेयरिंग में, तो उसके ही चारों तरफ वो घूमती है, तो उससे उसको सपोर्ट मिलता है। और जब सपोर्ट अच्छे से मिलता है किसी भी मोटर को, तो वो उसमें फ्रिक्शन जो है बहुत कम लगता है और बहुत स्मूथ तरीके से चलती है। अब वहां पर आप डबल बॉल बेयरिंग लगा देंगे, मतलब नीचे भी और ऊपर साइड भी दोनों तरफ बॉल बेयरिंग लगा देंगे, तब जब मोटर घूमेगी तो उसको सपोर्ट और ज्यादा मिलेगा, फ्रिक्शन और कम लगेगा उसमें, और स्मूथली और ज्यादा अच्छी तरीके से चल पाएगी। क्योंकि ये 900 वाट की मोटर है, तो काफी ज्यादा पावरफुली मिक्सर ग्राइंडर है, उसके हिसाब से इसमें डबल बॉल बेयरिंग दी गई है ना, तो इसी मारे इसकी लाइफ बढ़ जाती है। क्योंकि यार 1000 वाट के भी आ रहे हैं, उसमें भी आपको डबल बॉल बेयरिंग नहीं मिल रही बहुत सारे ब्रांड्स के, लेकिन ये 900 वाट है, 100 वाट कम है, उसके बावजूद जो इसकी लाइफ है वो बहुत ज्यादा है यार। तो चलो यार सबसे पहले इसको लगाते हैं और एक छोटी सी आवाज आपको इसकी सुनाते हैं।
ये मैंने लगाया यहाँ पे, और इसको एक आवाज़ सुनाते हैं आपको। तो कई लोग सोच रहे होंगे भाई साहब इसकी साउंड सुना रहे हो, तो मैं साउंड खाली इसीलिए सुना था कि आपको पता चल जाए कि इसकी आवाज़ कितनी ज़्यादा तेज़ है, बहुत ज़्यादा लाउड है कि नहीं। तो मैं बोलना चाहूँगा एक एवरेज साउंड है इसकी, ना बहुत ज़्यादा कम है ना बहुत ज़्यादा है, कि चलने में ऐसा ना हो जाए कि भाई साहब बगल वाले मोहल्ले में भी आंटी को पता चल जाए भाई साहब आज इनके घर में कुछ बन रहा है। इतनी भी तेज़ साउंड इसकी नहीं है, एक अच्छी साउंड है, ठीक है। तो इसके बारे में, मोटर के बारे में आपको बता दिया, 900 वाट की मोटर। अब आते हैं इनके जार के बारे में, इसको अपने साइड रखता हूँ और जार के साथ साथ मैं आपको समझाऊँगा क्या क्या चीज़ें हैं। सबसे पहले आपको मैं ये उठाता हूँ जो ग्राइंडर जार है, ग्राइंडर जार के अंदर आपको मैं दिखाना चाहूँगा, इसको खोलता हूँ तो काफ़ी ज़्यादा टाइट जो है इसमें फिट होता है। तो इससे यार ये चीज़ होती है, आपको जो कुछ भी इसमें ग्राइंड करना है तो ये निकल नहीं सकता अपने आप से, ये चीज़ काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। और ये स्टेनलेस स्टील का मिल जाता है आपको ऊपर वाला, और नीचे वाला जो है ये मेटल का मिल जाता है। और मेटल से आपको मैं बताना चाहूँगा, फिर से कहना चाहूँगा, कितने भी ब्रांड्स हैं आप ले लीजिए, नीचे वाला जो बेस होता है ना वो मेटल का नहीं मिलता, और कुछ नहीं तो 3-4 साल या 5 साल के अंदर अंदर टूट जाता है भाई साहब, आपको जार नया लाना पड़ता है। तो ये नीचे वाला मेटल का दिया गया जो कि काफ़ी ज़्यादा अच्छी बात है। नीचे ये रबड़ पैडिंग दी गई है इसमें, क्योंकि ऊपर ये जो है मेटल की पैडिंग है, यहाँ पे मेटल का गियर लगा है, तो इसके नीचे जो इसमें फंसेगा जा करके वो आपको रबड़ का मिल जाता है, जिससे इसमें फिटिंग बहुत अच्छे से आती है। एज लाइक हम इसमें फिट करते हैं जब इसमें, तो ये फिट हो गया तो ये फिटिंग बहुत अच्छे से आती है, ये हिल नहीं सकता, मतलब इसको पढ़ के आप सीधे उठा सकते हो, इतनी ज़्यादा अच्छी तरीके से इसमें फिटिंग आती है इसकी, बहुत ज़्यादा मजबूत तरीके से एक दिया गया है। और अंदर आपको इसमें डबल ब्लेड मिल जाती है आपको, अगर आप कैमरे के सामने देखो, फोटो भी मैं बगल में लगा दूंगा, अंदर इसके आपको डबल ब्लेड मिल जाती है, और उस डबल ब्लेड जो है ग्राइंडिंग काफ़ी ज़्यादा अच्छी करता है। अब ये कितनी ज़्यादा अच्छी करता है, ये बहुत ज़्यादा अच्छी, कितनी ज़्यादा अच्छी, इसका कोई पैमाना है? तो भाई साहब पैमाना नापने के लिए मैंने सबसे ज़्यादा जो हार्ड चीज़ थी वो होती है हल्दी, जो खड़ी हल्दी होती है, टर्मरिक, समझ रहे हो ना भाई साहब, बहुत सारे लोग हैं ना, हल्दी क्या होता है हल्दी तो खैर जानते होंगे यार लोग, तो हल्दी जो होती है इसके अंदर मैंने उसको पीसने के लिए बहुत मुश्किल से, मैंने बहुत सारे लोग मुझे मना किए घर पर, भाई साहब हल्दी ना पीसो, मिक्सर ग्राइंडर ना टूट जाए। मैंने नहीं भाई साहब, टेस्टिंग करता था, पूरी करते थे, 20-20 साल जो चीज़ चल सकती तो उसमें हल्दी नहीं पीस सकती, तो भाई साहब मैंने इसके अंदर हल्दी डाल दी, आप जैसे वीडियो के अंदर देख सकते हो। अब जब हल्दी डाल दी, इसको मैंने पीसना शुरू किया, तो विद इन इसने जो है 1.5 मिनट में हल्दी को बहुत अच्छी तरीके से इसने ग्राइंड करके दिया, जो कि मैंने जब घर में सबको दिखाया तो मदर फादर जितने भी लोग थे यार, मतलब सब लोग कहे तो वाकई में इतनी अच्छी ग्राइंडिंग कर रहा है कि चक्की पर जाने की जरूरत ही नहीं, वाकई में आप इसमें हल्दी तक पीस सकते हो। और हल्दी जो खड़ी हल्दी होती है, अगर आप उसको पीस सकते हो तो यार नॉर्मल वैसे आप क्या क्या चीज़ पी सकते हो आप खुद जानते हो। तो वही यार, इस वाले अगर और जार की बात करिए, ग्राइंडर जार की बात करिए, तो यार ये टोटल आपको जो है लगभग 1 लीटर का आपको मिल जाती कैपेसिटी, और पकड़ने के लिए हैंडल भी काफ़ी ज़्यादा इसमें स्टडी दी गई, काफ़ी मजबूत है, जो कि हिलती जरा भी नहीं है, काफ़ी मजबूत है। और ऊपर साइड नीचे साइड आपको जैसे ही बता दें मेटल है। हल्दी मैंने इसमें पीसी ही है, बाकी जो है मटर भी मैंने इसमें पीस के देखी, बाकी 2 महीने में यार बहुत सारी चीज़ पीसी गई, तो इतनी सारी चीज़ मुझे याद नहीं है क्या क्या किया गया, वो तो घर के यूज़ के हिसाब से, लेकिन हाँ मजबूत है। और इसका जो ऊपर का ये जो आपको कैप दिख रहा है, ये भी आपको जो है नॉन ब्रेकेबल कैप मिल जाता है, जो कि काफ़ी ज़्यादा मजबूत और काफ़ी ज़्यादा स्टडी मिल जाता है। अब आते हैं हमने नेक्स्ट चीज़ में, वो है ये चटनी जार एक्सचेंज। तो चटनी जार की बात आते हैं, तो चटनी जार हमेशा छोटे होते हैं, क्योंकि यार ये ज़्यादातर आपके 4-5-6 लोगों के लिए चटनी जार होता है, तो इसको छोटे साइज बनाया जाता है। चटनी जार की बात करी जाए तो देखो यार, ये है चटनी जार, तो इसकी भी जो कैप है बिल्कुल इस यही सेम प्लास्टिक मिल जाता है, और लेकिन इसके अंदर जो लॉक है आपको 3 लॉक सिस्टम मिल जाता है, क्योंकि ये छोटा जार है इसीलिए इसमें लॉक सिस्टम दिया गया है। मतलब आप इसको रख दोगे तो ये इस तरीके से कुछ सील नहीं होगा जब तक आप इसको कैप तीनों जगह इस तरीके से कुछ बंद नहीं कर देते हो। तो तीनों कैप जब इस तरीके से आप बंद करोगे तब जा करके ये कुछ जो है इस तरीके से लॉक हो जाएगा। तो तीनों कैप खोल दिए, मटेरियल सेम आपको जैसे बताया, और ये चटनी जार है तो इसके अंदर इसीलिए आपको 4 ब्लेड सिस्टम मिल जाता है, इसके अंदर फ्लोट ब्लेड सिस्टम है, नीचे वही रबड़ पैडिंग मिल जाती है जैसे कि इसमें आपको लगा हुआ था ग्राइंडर जार में, और मेन ऊपर साइड ये प्योर स्टेनलेस स्टील मिल जाता है, हैंडल बिल्कुल स्टडी मिल जाती है इसकी, वही सेम स्टेनलेस स्टील जो इसमें लगी हुई है, और नीचे जो बेस है इसका ये काफ़ी ज़्यादा हैवी दिया गया है, जो कि मेटल का बेस मिल जाता है आपको इसके अंदर चटनी जार के अंदर। जो मेटल का बेस है इसका कारण ये है कि इतना ज़्यादा हैवी इसलिए दिया गया, क्योंकि यार ये ऊपर का जो है ये छोटा है, इसकी साइज छोटी थी, ये हल्का बहुत हो जाएगा जब आप ग्राइंडर के ऊपर इसको ऐसे लगाओगे तो ये छोटा बहुत हो जाएगा। तो यार ये जो साइज है, ये वाइट जो एक्स्ट्रा आपको बाहर दिख रहा है, ये बिल्कुल बेस इसमें छू जाएगा, तो छुए ना, क्योंकि ये चीज़ इसमें हैंडल टकरा सकती है, तो उसके मारे इसका जो बेस है काफ़ी ज़्यादा हैवी, मतलब ये समझ लीजिए इसका जो वेट है इससे भी ज़्यादा है आपका, क्योंकि इसमें जो मेटल का जो बेस है वो काफ़ी ज़्यादा इसमें लगाया गया है, और इसमें भी आपको मेटल का ही बेस मिल जाता है। देखिए आवाज़ देखिए,
आवाज़ से ही आपको पता चल रहा होगा कि मेटल का बेस आपको इसके अंदर मिल रहा है, नीचे रबड़ की पैडिंग मिल रही है और चटनी जार के अंदर भी मैंने जो है जो नॉर्मल धनिया की चटनी जो है सबके अंदर होती है, सबके घर में बनाई जाती है खाने के साथ, तो वो मैंने धनिया वनिया सब कुछ इसमें पीस पीस के देखा, आप जैसे वीडियो के अंदर देख सकते हो काफ़ी ज़्यादा परफेक्ट तरीके से इसने ग्राइंड किया। ग्राइंडिंग की बात करिए खासकर इसकी, तो यार मतलब एक भी जगह मुझे ऐसा नहीं लगा कि यार धनिया के मुंह में कोई छोटे से कड़ आ रहे हों। मैंने उसको और एक्स्ट्रा जो है थोड़ा सा पीसा कि देखने के लिए कि मतलब 30 सेकंड तक मैंने कम से कम टाइम दिया, ऐसे 10-15-20 सेकंड पीस जाता है, तो 30 सेकंड से एक मिनट तक अगर आप इसमें पीसते हो तो वाकई में आपको एक भी जगह ऐसा नहीं लगेगा कि यार कि मुँह में धनिया के कड़ आ रहे हैं या फिर मिर्चा या फिर आप जो भी चीज़ डालते हो उसमें, अदरक लहसुन जो भी चीज़ डालिए, आपको वाकई में इस तरीके से ग्राइंडिंग करके देता है ये, क्योंकि नेक्स्ट लेवल की है, मतलब मज़ा ही आ जाता है। वही सेम चीज़ यार इसमें भी है, जो ग्राइंडर जा रहा है इसमें भी जो हल्दी जो पीसी थी इसने, नेक्स्ट लेवल की थी, मटर पीसी है, हल्दी पीसी है, बिल्कुल यार स्मूथ, क्योंकि ये सब हो इसलिए पता है क्योंकि जो इसका जो मेन इससे कनेक्शन है और अंदर का जो ब्लेड है वो इस तरीके से कुछ डिजाइन किया गया कि एक एक चीज़ बहुत परफेक्ट तरीके से पीस पाए, क्योंकि कई लोग कंपनियाँ ऐसी हैं तो उनको लगता है कि नॉर्मल खाली ये मोटर होनी चाहिए, घूमना चाहिए, एक ब्लेड लगा दो वो अपना पीस जाएगा, ऐसा नहीं होता। हर जगह आपका सेंट्रीफ्यूगल फोर्स किस तरीके से काम कर रहा है वो चीज़ के हिसाब से जार को बनाया जाता है। आप ध्यान से देखो जो नीचे बेस है उस तरीके से उसके हिसाब से हर जगह सेटअप किया गया है, जिससे जो चीज़ें हैं वो ऊपर भागे फिर घूम के बीच में आए, ऊपर भागे फिर घूम के बीच में आए, इससे क्या होता है जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बना रहता है तो वो चीज़ ग्राइंड काफ़ी ज़्यादा अच्छी तरीके से होती है। वही चीज़ आपको चटनी जार में, वही चीज़ आपको ग्राइंडिंग जार में मिल जाता है। और इसमें अब भाई साहब पीनट बटर तो मुझे पता है जब 400 वाट में अच्छे से हो जा रहा था, तो इसमें भी होगा, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो फेमस चीज़ है ना इस वाली कंपनी की, सबसे बड़ी जो फेमस होती है सुजाता की, आपको बताना चाहूँगा, आप कोई भी कंपनी का मिक्सर ग्राइंडर ले लीजिए, यहाँ तक कि आप जो है बोस का भी ले लेंगे वो भी आपको इससे बल्कि उल्टा महंगा ही आएगा। हाँ प्राइसिंग की बात बताएं तो ये सुपर एमएक्स मॉडल हमको पड़ा है लगभग 5800 रुपीज़ का, 6000 रुपीज़ के समझ लीजिए आसपास मिलेगा, 5800 से 6000 रुपीज़ का। इसके ऊपर अगर आप जो है वो पूरा जूसर वाला जो सेट होता है वो पूरा पूरा लेंगे तो आप समझ लीजिए 1000 रुपीज़ आपके जो है आराम से बढ़ जाएंगे। और भी सेटअप आते हैं, ये जो है जो ये जो जूसर शेकर जार है ये भी अगर आप और बड़ा साइज में लेते 3 लीटर का आता है तो आपके प्राइस बढ़ते चले जाएंगे, 8-9 हज़ार तक का हो जाएगा। उतनी मुझे पर्सनल घर के लिए ज़रूरत कभी भी थी नहीं और तो मैंने इसीलिए सुपर मिक्स मॉडल लिया। बाकी देखिए आप कोई भी मॉडल ले ले, चाहे 8000 वाले चाहे 9000 वाले, मोटर आपको सब में सेम ही मिलेगी, ये चीज़ें आपके ऊपर सेटअप वोटर सब बदलता जाएगा, मोटर सब में सेम मिलेगी, तो ये चीज़ आपको टेंशन करने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। तो बाकी बताया तो यार सबसे जो फेमस चीज़ मैं आपको बता रहा था वो ये था कि आप बोस का भी मॉडल ले लीजिए, इससे महंगे मिक्सर ग्राइंडर ले लीजिए, सब कंपनियां मैक्स टू मैक्स 15 मिनट्स तक खाली अलाउ करती हैं आपको उसको लगातार चलाने के लिए, कॉन्टिन्यूस चलाने के लिए, ठीक है। 15 मिनट से ऊपर चलाएंगे तो कंपनी कहती है भाई साहब हमारा ये जो मिक्सर ग्राइंडर है ये जो मोटर है इसकी फूक जाएगी, मत चलाइए। लेकिन सुजाता भाई साहब ऐड ही इसीलिए करता है, इसका एडवर्टीजमेंट यही है भाई साहब, इससे बेहतर नहीं आता, क्योंकि ये 90 मिनट नॉन स्टॉप इसको चला सकते हो। हाँ बिल्कुल सही सुना, 1.5 घंटा 1.5 आवर्स तक लगातार आप इसको चलाओगे ना इसको कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला। इसीलिए आप कहीं भी जाकर के एक बार आप बाहर निकल के देखिए बाजार में, कहीं भी जाइए, शूक जो शेक हुक होता है, आप बनाना शेक पीजिए, मैंगो शेक पीजिए, कोई भी टाइप का आप जो शेक पीते हैं, आपको 110% मैं बताता हूँ आपको जो है सुजाता कंपनी का मिक्सर ग्राइंडर, आप उनसे पूछिएगा खुद ही बता देंगे भाई साहब कितने साल से चला रहे हैं, 90 मतलब वो लोग देखिए आधा आधा घंटा 1.5 घंटा वो लोग भी चलाते रहते हैं, आराम से छोड़ देते हैं चला करके, उनके पास भी सुजाता कंपनी का ही होता है। अब इन सब दोनों चीज़ों को किनारे करते हैं, मेन चीज़ जो है जो मेरी फेवरेट है वो ये है, क्योंकि इसका मैं यूज़ बहुत ज़्यादा करता हूँ यार, और इसमें मैंने देखो बनाना शेक बनाया, और बनाना शेक के लिए सबसे पहले इसमें मैंने जो है आइस डाली जिसको हम लोग बर्फ़ कहते हैं, और बर्फ़ के जो क्यूब्स होते हैं वो मैंने इसके अंदर पूरे पूरे डाले। बर्फ़ के क्यूब्स डालने के बाद इसको मैंने सोचा कि यार ऐसा ना हो, क्योंकि यार मैंने पहले 400 वॉट का यूज़ करता था, उसमें क्या था बर्फ़ के क्यूब से होते थे, ग्राइंड तो अच्छे से कर देता था लेकिन छोटे छोटे जो पीस होते थे वो मुंह में आते थे। मैंने इसके अंदर बर्फ़ के पीस डाले, उसके बाद इसके अंदर मिल्क डाला, सब कुछ डाला वीडियो में आप जैसे कि देख सकते हो, और इसको फिर मैंने चलाना शुरू किया और इसने इस तरीके से उसको ग्राइंड किया, इस तरीके से उसको मिक्स किया, एक भी पीस ऑफ बर्फ, एक भी पीस ऑफ आइस मेरे मुंह में नहीं आया यार। मुझे एक भी जगह ऐसा नहीं लगा कि बर्फ के छोटे छोटे पीस नहीं, एक होता है बिल्कुल पाउडर टाइप का हो जाता है बर्फ कभी कभी, वैसा भी नहीं लगा इसके अंदर। 110% मैं आपको कंफर्म बताता हूँ, आप इसको जब यूज करोगे आपके चेहरे पे एक स्माइल आ जाएगी भाई साहब, इस तरीके का शेक बनाता है, आपको लगेगा जैसे कि बाजार में खरीदा हुआ शेक पी रहे हो, पैक जो कंपनीज के नहीं आते हैं शेक, उसको लगा जैसे कि आप वैसे ही पी रहे हो, बिल्कुल इस तरीके का ये देता है। और इसकी जो साइज है वो 1.7 लीटर की मिल जाती है आपको, तो आराम से आप 5 to 6 मेंबर्स आपके फैमिली में है तो उनके लिए जो है सफिशियंट है। और इसका बात बताया जाए तो इसका जो बेस है वो आपको प्लास्टिक का मिल जाता है, और प्लास्टिक का मेरे ख्याल से किसी भी कंपनी का लो, आपको शेक वाला जो है आपको सब में प्लास्टिक का ही मिलता है, और ये जो है आपको अनब्रेकेबल, मतलब इसको बुलेट प्रूफ भी बोला जाता है, जो बुलेट प्रूफ जैकेट बनती है उसके ऊपर भी यही सेम धातु, यही सेम प्लास्टिक यूज़ किया जाता है, पीपी प्लास्टिक समझ लीजिए, इसको पीपी बोलते क्या बोलते मुझे नहीं पता, लेकिन हाँ अनब्रेकेबल प्लास्टिक है बता देता हूँ। ये बहुत मजबूत होती है,
आपके सामने दिखा रहा हूँ मैं, मतलब इसको ये नहीं आप सोचिए कि बहुत कमजोर है, बहुत मजबूत होती है। और ऊपर की ये जो है प्लास्टिक रबड़ पैडिंग टाइप की दी गई है, आप देख सकते हो, क्योंकि इसमें फिट बहुत ज़्यादा अच्छी तरीके से होती है। और ध्यान रखिएगा एक खासकर, जब भी आप कभी भी इसमें लगा करके शेक बनाएं, क्योंकि इसकी जो है मेन ये ऊंचाई बहुत ज़्यादा होती है, इसके ऊपर हमेशा हाथ रख के ही बनाएं, कभी भी इसको हटाएं मत इसके ऊपर से, हाथ रख के ही बनाएं, क्योंकि इसका आप पूरा ऊपर तक भर दोगे ना तो इसका सेंट्रीफ्यूगल जो मेन है वो ऊपर साइड ज़्यादा हो जाएगा बाहर, तो ऊपर साइड बाहर ज़्यादा हो जाएगा तो इसको पलटने के डर से मारे, इसके ऊपर हाथ जरूर लगा के बनाएं, तभी इसको अच्छी परफेक्शन तरीके चलता है। इसके ऊपर लिखा भी हुआ है, इसके ऊपर नहीं, खैर लिखा तो सबके ऊपर लिखा हुआ है कि इसके ऊपर क्या लिखा हुआ है, होल्ड द लिड व्हाइल यूजिंग, देखिए सबके ऊपर ये लिखा हुआ है होल्ड द लिड व्हाइल यूजिंग, तो लिड को हमेशा पकड़ के ही हमेशा इसको बनाएं। और बाकी बात बताएं तो हैंडल भी काफ़ी ज़्यादा स्टडी, काफ़ी मजबूत दी गई है, ये अनब्रेकेबल आपको वॉलेट प्रूफ वाली आपको इसमें प्लास्टिक मिल जाती है, नीचे साइड में ये प्लास्टिक, ये भी नीचे बेस भी इसका प्लास्टिक का है, और साथ साथ में नीचे साइड आपको रबड़ पैडिंग मिल जाती है आपको इसमें। तो मैंने कहा सब कुछ तो बता दिया यार आपको, इससे ज़्यादा और क्या ही बताया यार इसके बारे में, बताते बताते आपको जो है 10 मिनट से ऊपर हो गया देखते देखते। ऐसा तो यार ये मिक्सर ग्राइंडर था। तो फाइनल चीज़ मैं बताऊँ तो यार देखो, अब 20 साल चलेगा कि नहीं चलेगा वो तो मैं 20 साल बाद वीडियो में क्या करूँगा बनाऊँगा, आप आके देखेंगे नहीं देखेंगे वो एक अलग बात है, क्योंकि लेकिन जो मुझे मार्केट से रिव्यू मिला, जो मुझे नेट पे रिव्यू मिला, जो मुझे कई लोगों ने यूज़ किया उसके बताया, उसके हिसाब से मैं इसको लेकर के आया हूँ। और यूज़ करने के साथ पिछले 2 महीने का यूज़ मैंने आपको इसमें बताया किस तरीके का था, तो देखिए यूज़ बिल्कुल 110% मैं कन्फर्म बताता हूँ, ये बहुत अच्छी तरीके से काम कर रहा है। और देखिए आप कोई भी मिक्सर ग्राइंडर लाइए 1000-1200-2500 रुपये का लाते हो, वो आप यूज़ करते हो ना वो काम सब करते हो उस तरीके, लेकिन जो एक होता है ना परफेक्ट वो चीज़ आपको इसमें मिल जाती है। ग्राइंडिंग भी अच्छी करता है, चटनी भी अच्छी करता है, शेक भी अच्छा बनाता है, मतलब यार बर्फ़ भी बिल्कुल इसने इस तरीके से शेक में पीसी थी कि मतलब लग रहा था बर्फ़ डाली नहीं, खाली चिल्ड महसूस हो रहा था वहाँ पे। साथ साथ में इसमें मैंने हल्दी तक पीस डाली, मतलब नेक्स्ट लेवल होता भाई साहब। हल्दी आप कभी घर में पूछे किसी मिक्सर ग्राइंडर पीसने के लिए लगता भाई साहब इसकी ब्लेड ही टूट जाएगी, लेकिन इसमें ऐसा नहीं था, क्योंकि ये पावरफुल 900 वॉट की जो मोटर है ना वो बहुत ज़्यादा मदद करती है आपके लिए। अब तो मैं इसमें पीनट बटर 110% बनाना है, क्योंकि हल्दी पीस जाए पीनट बटर तो बहुत आराम से बना ही देगा, क्योंकि 900 वॉट की मोटर है, डबल बॉल बेयरिंग है, सपोर्ट भी काफ़ी अच्छा मिल रहा है, तो 90 मिनट तक चला भी सकते हो। इससे ज़्यादा और बताए तो आपको खरीदना है तो आपसे एक रिक्वेस्ट है यार, मेरी दी हुई लिंक से आप इसको खरीद सकते हो, इसकी जो लिंक होगी मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स मिल जाएगी सुपर मिक्स मॉडल की, और जितने भी मॉडल आते हैं सारे मॉडल्स की आपको लिंक मिल जाएगी, वहाँ जाकर के आप इसको खरीद सकते हो बहुत आसानी से। और एक रिक्वेस्ट है प्लीज़ मेरी दी हुई लिंक से खरीदना यार, क्योंकि यार मुझे किसी ब्रांड ने नहीं भेजा है, दिस इज़ नॉट अ स्पॉन्सर्ड वीडियो कि भाई साहब सुजाता कंपनी वाले भाई साहब ये लीजिए उत्कर्ष भाई साहब इसको ले जाइए और मेरी कंपनी बढ़ाई करिए, ऐसा नहीं भाई साहब, मैं इसको खुद खरीद कर लाया हूँ, खुद यूज़ कर रहा हूँ, उसके बाद आपको 2 महीने बाद इसका एक ट्रू रिव्यू दे पा रहा हूँ, सच बता पा रहा हूँ एक एक चीज़ इसके बारे में। तो इसलिए प्लीज़ बाय फ्रॉम माय लिंक, जो कि आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स मिल जाएगा, आशा करता हूँ मेरी दी हुई लिंक से खरीदोगे। साथ साथ में उनको जरूर शेयर करें जिनको एक बेस्ट मिक्सर ग्राइंडर जूसर मिक्सर ग्राइंडर खरीदना है। और तब तक के लिए टाटा बाय बाय, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।